हेलो गाइस, परम मंजुरा की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लाए शेड्स ऑफ साओ की चैप्टर 2 का रिएक्शन, जो कि है रिबेल स्टार प्रभास जी और श्रद्धा कपूर की मूवी। और इसे बहुत अच्छा तरीका एक्साइटमेंट बिल्ड करने का साओ के लिए, क्योंकि साओ एक बहुत बड़ी मूवी है। लाइक कुछ लोग हमें बता रहे थे कि नॉर्थ में इतना क्रेज नहीं बन रहा है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि साओ जैसी इतनी बड़ी इतनी बिग बजट मूवी है। बिल्कुल यार, और ऊपर से शेड्स ऑफ साओ करके जो रिलीज कर रहे हैं ना, उससे अच्छा वो बनेगा, क्योंकि शेड्स ऑफ साओ आएगा, फिर टीजर आएंगे, फिर ट्रेलर आएगा, तो उससे लोगों में एक्साइटमेंट बिल्ड होती जाएगी। वही सही चीज, अगर डायरेक्ट ट्रेलर निकालते ना, तो शायद लोग ग्रास करने में टाइम लगा देते, और फिर मूवी निकल आती तो फिर उनको आधे में पता रहता था इतनी बड़ी मूवी है। केजीएफ के टाइम मैंने थोड़ा नोटिस किया, जब भी केजीएफ का भी ट्रेलर वन ट्रेलर टू आया था, बट केजीएफ में भी लोग काफी, जैसे मेरे बाकी बहुत सारे दोस्त 10 दिन के बाद जाने लगे थे, क्योंकि जब हमने बताया और लोग उनको पता लगे हाँ केजीएफ बहुत जबरदस्त मूवी है और केजीएफ बहुत तगड़ी मूवी है, तब वो जाने लगे। तभी वो केजीएफ बहुत लंबी खींची थी, और साथ साथ ये मूवी पे आते थे। इस मूवी को डायरेक्ट किया सुजीत जी ने, सुजीत जी ने इससे पहले रन राजा रन मूवी किया, तो उसके बाद ये डायरेक्ट इतनी बिग बजट मूवी, उसके ऊपर इतने स्टेज लगे हुए हैं, तो वो इतनी बड़ी मूवी मिला, मेरे ख्याल से उनका कुछ होगा जो लोगों को बहुत पसंद आया होगा, तो उस वजह से उनको इतना बड़ा प्रोजेक्ट दिया गया। बिल्कुल, क्योंकि है ना मूवी इसी अंदाजे से लगाया जा सकता है, क्योंकि 32 जैसे समथिंग इसमें स्टंट इसके रिलेटेड है, जो स्टंट मास्टर है, स्टंट कोरियोग्राफर है, बॉडी डबल जैसे जावेद अल बर्नी जी है, जो प्रभास का स्टंट बॉडी डबल का यूज, मतलब लाइक वो परफॉर्म कर रहे हैं। और इसके साथ से जब इसका चैप्टर 1 आया था ना, तो उसके अंदर हमने देखा था कि कार्स वगैरह वो कैसे उड़ती है गाड़ियां, कैसे उनके छोटे छोटे, वो उसमें ये नहीं कह सकता कि नॉर्मल इंडियन फिल्म। हां बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि सारे के सारे जितने भी स्टंट मास्टर ना, सारे हॉलीवुड के, एक भी ऐसा नहीं, सारे के सारे इंटरनेशनल लिए गए। तो उसके अंदर हमने देखा छोटे छोटे गाड़ियां थी, वो कैसे उड़ रही थी, उनका वो छोटे छोटे वो लाइक जैसे ट्रक्स हुए, तो उनका ट्रक्स का कैसे जो छोटे पहले बनाते हैं, फिर मिनी बनाते हैं, उसके बाद फिर उसका पूरा। और फिर जैसे एक वो सीन है जिसमें श्रद्धा कपूर ऐसा भाग के आ रही थी, वो नील नितिन मुकेश थे, वो लाइक उनकी छोटी सी क्लिप देखने को मिली थी। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट उसमें वो था जब प्रभास आ रहे थे अंदर, वो लाइक कैसे चश्मा पहन के उनकी एंट्री आई थी, बीजीएम, तो फिर जैसे प्रभास आए थे, फिर जैसे उन्होंने ऐसे मारा था, तो उसके बाद ना वो चैप्टर 1 खत्म हुआ था। और जब ये चैप्टर 2 आया तो इसके अराउंड भी पता नहीं काफी कुछ हो रहा है, कि इसमें ये नया कुछ देखने को मिलेगा, तो देखते हैं उसके अंदर वो ट्रक्स वगैरह वो सब आ रहे थे, गाड़ियां उड़ती, तो इसमें देखते हैं क्या देखने को मिलता है, इसमें क्या क्या चीजें दिखाते हैं, हमें तो बहुत मजा आया यार। तो आप भी, हम भी देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। लुक्स बनाएगी है, बहुत जबरदस्त लग रहा है। मेनली तो प्रभास की जो लुक है ना, हाँ यार, पूरा मतलब दोनों की लुक अब काफी हद तक पता लग गई है। लाइक प्रभास की ऐसी लुक है कि वो एटीट्यूड किलर है, हाँ। और तो मस्त वर्ड में रहते हैं और एटीट्यूड में रहते हैं, और मेरे को मतलब मैं तरस रहा हूँ मूवी देखने के लिए, बिकॉज जिस तरीके से वो अपने एटीट्यूड में आ रहे हैं, और वो हमने उसमें भी देखा था, लाइक वो देखा था वो टीजर में कांड देखा था, खून कैसे अपने यहाँ से ऐसे पहुँचते हैं वो करते हैं, और अब यहाँ पे तो वो एकदम गोल वाले जिसमें पहन के बिल्कुल एकदम एटीट्यूड में बैठे होते हैं। और श्रद्धा का कांड वैसे वो क्यूट फेस किलर, एकदम बहुत एकदम उनका फेस एक तो वैसा ही है, बट वो बिल्कुल एकदम टेंस्ड है और वो पूरे टाइम फोकस्ड है, और ये नहीं है कि वो वैसे यूज होंगी, प्रभास की गर्लफ्रेंड हो तो वो लव एंगल खाली एंगल के लिए नहीं लग रहा, वो लग रहा है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है, वो या तो प्रभास के फॉर में या तो प्रभास के अगेंस्ट, तो बहुत इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल, बाकी लाइक प्रभास की लुक की जैसे तूने बात की, उसमें लाइक मेनली उनकी हेयर स्टाइल ऐसे कि बाल उनके टेढ़े और साइड में वो ऐसे ग्लासेस है जो काइंड ऑफ जैसे बाहर वाले बंदे को अंदर उनकी आंखें नहीं देख सकती और वो पूरा देख सकते हैं, और ऊपर से लाइक एक उनका पूरा इंटेंस फेस इसमें देखने को मिला है कि वो लाइक किस तरीके से बंदे को पकड़ के वो मारते हैं। इसमें काइंड ऑफ जैसे थोड़ा बहुत एनिमेशन का भी यूज किया गया इसमें, इस चैप्टर के अंदर, तो वो जैसे मारते हैं, उसके बाद गन्स का सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जिसके अराउंड ये बनाया गया है, तो गन्स भी लाइक ऐसे वो सबसे बड़ी वाली गन आई थी उसको किस तरीके से पूरा मार मार के वो दिखाया गया है, छोटी मोटी गन्स वगैरह जैसे वो पिस्टल वगैरह, पिस्टल तो नहीं बोल सकते उसको, लाइक वो कहीं वो काइंड ऑफ हाई टेक्नोलॉजी टाइप्स ऑफ गन्स थी, वो छोटी वाली थी वो भी बड़ी वाली गन्स का यूज, और विलन्स भी सारे के सारे ऐसे हैं कि लाइक सबसे खतरनाक विलन्स है सारे कि बहुत डेंजरस है। जैसे एक विलन का काइंड ऑफ इसमें थोड़ा बहुत दिखा जो लाइक बोल रहा था 3, 2, 1 और उसके बाद से फिर वो फाइट सीक्वेंस चालू हो गया था, तो विलन्स भी इसमें नेक्स्ट लेवल होने वाले हैं। और मेनली जो कैमरा एंगल्स दिखाया गया, लाइक वो जो डाउन कैमरा एंगल दिखाया गया, इस तरीके से वो फटता है और उसके बाद वो नीचे कैमरा रखते हैं और सामने से लोग आते हैं, बहुत अच्छे कैमरा एंगल यूज किए जा रहे हैं, और लाइक वो लोकेशन दिखाई जा रही थी। और चैप्टर 1 की तरह चैप्टर 2 में भी मैं वही कहना चाहूंगा कि कहीं से भी एक बॉलीवुड फिल्म या टॉलीवुड फिल्म नहीं लगती, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये मेनली जिस तरीके से शॉट की गई ना, पूरी की पूरी हॉलीवुड फिल्म लगती है। और क्योंकि अगर आप लोगों ने मिशन इम्पॉसिबल और इन सब की मेकिंग देखी हो,
तो उसमें भी काइंड ऑफ ऐसे ही शूट्स दिखाए जाते हैं. और लाइक मैंने और बहुत सारे हमारे इंडियन एक्शन मूवीज के भी देखे हुए हैं, पर उतना एक्सटेंसिव एक्शन पे इतना फोकस नहीं किया जाता है. लाइक हाँ थोड़ा उड़ेगा या तो हीरो मेन फोकस किया जाता है, पर यहाँ पे हीरो पे नहीं एक्शन मेन फोकस किया जा रहा है कि किस तरीके से उसको शूट किया जाएगा, किस तरीके से शोल्डर्स आएंगे और पूरा का पूरा सोल्जर्स क्या है तो पूरे जो विलन्स होंगे वो आएंगे और किस तरीके से पूरी फाइट होगी. तो बहुत एपिक मूवी लग रही देखने के. और काइंड ऑफ है ना इसके अंदर पूरा जो भी ये जो पूरा बनाया गया चैप्टर इसके अंदर पूरा इनबिल्ट जो लाइक अंदर जो इंटीरियर होता है ना वो आउटडोर किसमें बिल्कुल नहीं दिखाई कि लाइक साइड में है ना ग्रीन स्क्रीन टाइप ब्लू स्क्रीन टाइप वो लगी है और अंदर इनका पूरा देखा लाइक हेलीकॉप्टर वगैरह जो है वो सारे अंदर है. तो इसके अंदर हमें वो लाइक जो होते हैं ना बिल्डिंग के ऊपर वाले शूट होते हैं या फिर बिल्डिंग से कूदने वाले हुए वैसा काइंड ऑफ ये मूवी में हमें देखने को मिल सकता है क्योंकि वो पूरा वो लाइक ग्रीन स्क्रीन वो उससे मेंटेन किया गया इसको पूरा. और चैप्टर वन में श्रद्धा को बहुत कम दिखाया गया. हाँ उनको खाली एक रनिंग ही दिखाई गई थी उनके बाकी मेरे को था थोड़ा और उधर चैप्टर टू में तो दिख गया पूरा मतलब पता लगा हाँ किस तरीके का उनका रोल हो सकता है वो मेन पता लगा बिल्कुल. और मेरे श्रद्धा का आज बर्थडे भी है तो श्रद्धा को हैप्पी बर्थडे. और ये बहुत सही है प्रभास के बर्थडे पे चैप्टर वन निकाला. हाँ श्रद्धा के बर्थडे पे अलग था नील नितिन मुकेश के बर्थडे पे चैप्टर थ्री निकाले. हाँ या तो फिर डायरेक्टर के बर्थडे पे पूरे ट्रेलर आ गए. हमें लाइक सबके बर्थडे से मार्क करने पड़ेगी इस टाइम कुछ आने वाला है. बहुत इंटरेस्टिंग है अगर ये बर्थडे टू बर्थडे ऐसे जाते रहते हैं. बाकी श्रद्धा का रोल बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है मेरे को. श्रद्धा बहुत इंटरेस्टिंग लगी प्रभास से तो कहीं ना कहीं मेरे को चैप्टर वन और टीजर से पता लग गया था. हाँ, हाँ. इस तरीके से पर श्रद्धा को बहुत इंटरेस्टिंग लगा और मूवी का लिए वेट नहीं हो पा रहा है. श्रद्धा कपूर की एक बात और नोटिस की वो मेरे हिसाब से पुलिस वाले का रोल प्ले कर रही है. पुलिस है वो इसके अंदर और ये जहाँ तक मुझे अंदेशा लग रहा है ये प्रभास के अगेंस्ट होने वाली है क्योंकि है ना ये जैसा इनका जो लुक है जिनकी इनके सिक्वेंसेस आ रही है देख के कहीं से भी नहीं लग रहा है कि ये पुलिस वाले हैं. और श्रद्धा कपूर पुलिस वाली तो इनके अगेंस्ट भिड़ती है. फिर जो नील नितिन मुकेश जो मेन विलन का रोल प्ले कर रहे हैं वो किस तरीके से इनका काइंड ऑफ होता है तो वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रोल है देखने के लिए. वही ऐसा होता है लाइक प्रभास जो है वो नील नितिन मुकेश के अगेंस्ट खड़े हो और ये जो है वो दोनों ही काइंड ऑफ जो मारी टू का हमने काइंड ऑफ देखा होगा कि वो पूरा गांव साफ करना चाहते फिर उनका एकदम से लुक दिखाएगा ना तो कहीं ना कहीं उसी से वही अंदेशा लग रहा है कि पुलिस वाली हो सकती है. वही तो बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स बनाए गए और ऊपर से डायरेक्टर भी कुछ रिवील नहीं कर रहा है सच की मूवी के अंदर क्या है कैसे सर्च करना चाहिए इस मूवी के बारे में. हाँ, हाँ. बाकी मूवी के जो टीजर्स हैं और जो उसके चैप्टर्स हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है और इतनी एक्साइटमेंट बढ़ा रहे हैं मूवी के लिए हमसे वेट नहीं. और आप लोगों को कैसा लगा अपने कमेंट्स में जरूर बताएं जरूर. और ऐसे लाइक करते जाइए कमेंट करते जाइए शेयर करते जाइए सब्सक्राइब करते जाइए. बाय.